हाँ दोस्तों, मैं परमान रजवाड़े, जो कि मेरा यूट्यूब है परमान रजवाड़े मोटिवेशनल स्पीकर, वेलकम तमाम जो वाचिंग कर रहे हैं मेरा चाहने वाले हैं दोस्तों, जो कि एक वीडियो बनाने के लिए मैं एक व्यूवर्स हुआ, बहुत ही अच्छा लगा, उसी कंटेंट में आया हूँ दोस्तों। तो मैं बता दूँ कि अभी कोरोना वायरस 2019 में प्रारंभ हुआ था और लगातार बढ़ते क्रम में है 2020 में, जो कि हर तरह की स्टूडेंट का, व्यवसायी लोग का, हर तरह से अस्त पस्त हो गया है दोस्तों। हमारे इकोनॉमिक सेक्टर, मेंटली, साइकोलॉजी, एटीट्यूड, सब कुछ नीचे तरफ, ग्राफ की तरफ जा रहा है दोस्तों। इसी देखते हुए हमारे एक स्टूडेंट भी हैं और बहुत ही करीब से चाहते हैं, उनका कमेंट था, सुझाव भी दिया कि सर आप इस वीडियो में डालिए, जिसे बहुत लोग का, जो कि अभी ये टेंशन में आ गए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट मतलब डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, उसके बारे में बनाइए। चूँकि ऑल ओवर इंडिया में, चाहे पूरा विश्व स्तर पे, विश्व व्यापक इतिहास के दौर पे पहली बार ऐसे हो रहा है दोस्तों, जो कि यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। मेरे चैनल में आए हैं पहली बार तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, हर बार की तरह सपोर्ट करो, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। कोविड-19 के प्रभाव से पूरा विश्व में त्रस्त त्रस्त है, प्रतिदिन बढ़ते क्रम में है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट लोग को, स्टूडेंट चाहे आप विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, चाहे 10वीं 12वीं के हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में हो, चाहे छोटे बच्चे जो जड़ का मजबूत होता है दोस्तों, उनका जो पढ़ने का सीखने का एक प्रोसेस रहता है, वो डिसकनेक्ट हो गया तो बहुत दिक्कत हो रहा है। और आप 10वीं 12वीं जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, विद्यार्थी हैं, वो अभी डिसकनेक्ट हो गए हैं, तो आपका जो करियर है कहीं ना कहीं एक रुका हुआ है कर सकते हैं। अब अभी भी नीट का क्वालिफाइड 13 तारीख को अभी हुआ, 13 सितंबर की, जो कि नीट नेशनल एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट टेस्ट, जो कि डॉक्टर बनने के लिए MBBS क्वालिफाइड के लिए हुआ दोस्तों। तो कभी इधर उधर होता, कोविड-19 के चक्कर में हर चीज़ जो इकोनॉमिक्स है, हर चीज़ तहस नहस है, इकोनॉमिक्स पूरा डगमगा गया है भारत में, पूरा विश्व में इसका। तो मैं चाहूँगा कि आप डिप्रेशन से किस तरीके से निकलना है दोस्तों। तो मैं तो सर्वप्रथम ये बताऊँ कि हमेशा आप सकारात्मक होंगे दोस्तों। डिप्रेशन में जैसे 10वीं 12वीं जो भी स्टूडेंट 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं, चाहे 12वीं पास करने के बाद क्या किया जाए, या पढ़ाई करियर अभी नौकरी के लिए निकल नहीं रही है, बहुत सारा समस्या आ गया है दोस्तों। तो आपको एक ही चीज़ करना है, हमेशा नौकरी नहीं मिलना, चाहे कुछ भी, घर का प्रेशर, समाज में प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर रहता है दोस्तों। तो उस प्रेशर को हमेशा बैलेंस बना के चलिए, एटीट्यूड रहे, किस तरीके से आपको निकलना, हमेशा पहली बात तो सकारात्मक सोचिए, जो पसंद है उसको, अभी क्रिएटिविटी को आप अपनी ज़िंदगी में सीखते रहिए। दुनिया में जो सीखता है वो अभी हमेशा आगे जाता है दोस्तों, कभी हार नहीं मानना चाहिए ज़िंदगी में। ये चीज़ हमेशा करके हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। अगर आपको डीमोटिवेशन करते हैं, ऐसा लोगों से दूर हमेशा चले जाइए, लोगों से दूर रहिए हमेशा डीमोटिवेशन, क्योंकि आठ से दस स्टेप बताऊंगा यहाँ पर मेरे बोर्ड में, जो भी मैं बताऊंगा कि जो 8-10 स्टेप पालन करके ज़िंदगी से आप उभर सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। चाहे आप करियर में कोई भी फील्ड में आप चुनाव किए हैं, कोई भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर बनना चाहते हैं, MBBS नीट क्वालिफाइड करके MBBS करना चाहते हैं, चाहे आप BE इंजीनियरिंग IIT एम्स में जाना चाहते हैं, चाहे AIIPP में जाना चाहते हैं, CA करना चाहते हैं, चाहे आप तमाम तरह के अभी पुलिस में जाना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, UPSC निकालना चाहते हैं, PSC निकालना चाहते हैं, जो भी कंपटीशन में आप बाधा आ रहा है दोस्तों, तो आपको अगर आप बाधा आता है, आप अगर पहला दफ़ा आप अपीयर होते हैं, फेल हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, तो कभी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए दोस्तों। फेल और पास, दिन और रात, ऊपर नीचे, सब कुछ एक दूसरे का पहलू है दोस्तों। जब तक ये संघर्ष ही असली जीवन है दोस्तों, स्ट्रगल ही असली ज़िंदगी है, आपको एकदम फतह करना है तो आपको इस चीज़ से निखरना पड़ेगा, तभी आप निखर पाएंगे। लोग कहते हैं कि सोना जो स्वर्ण होता है दोस्तों, आग में तब कर ही आप निखरता है, तो आपको निखरने का मौका है। और कोविड-19 हमको बहुत कुछ एक गिफ्ट दे के जाता है दोस्तों। सकारात्मक अगर पल से बात करूँ तो उस समय में आप वही जो आप सीखना चाहते हैं, आज तक आपको टाइम नहीं मिला, तो आप जो कला सीखना चाहते हैं, जो स्किल को संवारना चाहते हैं, कोई मौका है दोस्तों। तो आप इस समय में बैठ करके नहीं, आप अच्छा पुस्तक पढ़िए, आप गाना सिंगर बनना चाहते हैं, चाहे कंप्यूटर टाइपिंग करना चाहते हैं, जो भी स्किल, पेंटिंग का हो, चाहे आप फोटो क्लिक करने का, चाहे बहुत तरह के होता है आपकी स्किल, जो पसंद है, जो आप बहुत ही बेहद अच्छा लगता है करने में, वो क्रिएटिव को आप समा सकते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा ये जो 8 आदत है अपनी ज़िंदगी में इंप्लीमेंट करके 7वें आसमान पर, उस शिखर पर सफलता का, उस मुकाम तक रहिएगा दोस्तों। तो मेकअप करके डिस्प्लेन कराऊँगा तमाम जो दर्शकों को देखा। सर्वप्रथम 8 स्टेप में बताया गया है विजेता बनने के लिए। पहला है अच्छा दिखिए, अच्छा खुद ही बने दोस्तों। हमेशा कहते हैं सोना या स्वर्ण होता है, उसको खोदने के लिए लगातार गहराई में जाना पड़ता है दोस्तों। समुद्र के अंदर में, सीप के अंदर अगर जाते हैं, तो आपको
गहराई में जाना पड़ता है, एकदम डीपली में जाना पड़ता है आपको, एकदम धीरे धीरे माइक्रो लेवल मेहनत करते जाए समय लगता है दोस्तों। लेकिन गहरा में अगर किसी भी चीज़ का पीएचडी करना चाहे, गहरा तक अधिक जानकारी चाहिए, आप उस चीज़ का विशेषज्ञ चाहे, उसको ज़्यादा लाभ एडवांटेज मिलेगा, तो गहराई में जाना पड़ेगा। एक ही डायरेक्शन में एक कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करते रहिए, बिल्कुल जैसे समुद्र में सीख के जाने के लिए एकदम गहराई में जाना पड़ता है दोस्तों। उसी तरीके से किसी भी क्षेत्र में एक अच्छा खोजी बने, क्यूरिजिटी देखिए, जिज्ञासा बनिए, जिस क्षेत्र में उसका बारीकी तक जानने के लिए कोशिश कीजिए। तो एक अंक के पहला है अच्छा खोजी बने दोस्तों, गुड फाइंडर बने। इसके बाद हर दूसरा है हर काम को तुरंत करने की आदत डालें दोस्तों। ये बहुत बड़ा एक हैबिट है दोस्तों अपनी ज़िंदगी में, जो भी काम आता है अगर आप तुरंत या फर्स्ट टाइम ही कर लेते हैं, जैसा सोच लिया तुरंत आप कर देते हैं तो काम जैसे ही आपका निकल जाता है दोस्तों। लेकिन हम ज़िंदगी में माई कुछ वो हम जितना भी तमाम है हम टाल मटोल कर ज़िंदगी जीते हैं दोस्तों। जो कि हम कल करेंगे परसों का कल, और परसों या एक घंटा की बात करूँ दो घंटा कभी नहीं आता है दोस्तों। जो विजेता होते हैं, जो सफल होते हैं दोस्तों, जो सोचते हैं करते हैं तुरंत करते हैं। लेकिन इसीलिए हर काम को तुरंत करने का आदत डाली, सफलता आपके चरणों में चुमेगा दोस्तों। बहुत बड़ा आदत है, छोटा छोटा इंप्लीमेंट करते जाइए, बहुत सफलता मिलेगा दोस्तों। इसके बाद एहसानमंद होने का नजरिया बनाए दोस्तों, तीसरा स्टेप है। एहसानमंद का मतलब होता है कि आप किसी के लिए ऐसा काम कीजिए, किसी के लिए ऐसे वर्क कीजिए चाहे ऐसा काम कीजिए कि उसके एवज में आपको कुछ ना दे सके, इसके बाद लोग आपको एहसानमंद मानेंगे बहुत ही अच्छा। जैसे कोई भी चीज़ आपको हेल्प करने का मौका मिले या कभी भी, जितना भी आप अपने तरफ से जितना एफर्ट कर सकते हैं, जितना मदद कर सकते हैं, चाहे आप शिक्षा से कर सकते हैं, आप किसी का मदद कर सकते हैं, चाहे पैसा से कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से, चाहे ज्ञान से कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से जितना हो सके अपनी तरफ से अगर हेल्प करते हैं एहसानमंद, उसके जेवा में आप उसका कुछ मत लीजिए दोस्तों। कि एहसानमंद बहुत बड़ा होता है, एक पुण्य का काम करते हैं, इसलिए हमेशा एहसानमंद। चौथा है दोस्तों लगातार सीखते रहने की आदत डालें। हम लोग बहुत लोगों को मैं देखा हूँ दोस्तों हमेशा डिमोटिवेशन करते हैं कि अपन 10वीं 12वीं पढ़ लेते हैं तो बहुत पढ़ने, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जब तक लास्ट सांस है, जब तक आप जीवित हो, जब तक आप सीखते रहने का आदत डालिए। बहुत बड़ा सूत्र है, बहुत बड़ा फार्मूला है, बिगेस्ट फार्मूला। अगर ये आदत अगर ज़िंदगी में बना लिए दोस्तों, कोई भी इंसान हमेशा प्रोफेशनल के साथ परफेक्ट नहीं होता है, हमेशा सीखते रहिए। इतना सीख जाइए कि आप एक कारवां रचेगा दोस्तों। जब तक हैं आप तक सीखते रहिए हर चीज़ में, कभी कोई परफेक्ट नहीं होता है। हमेशा पढ़ना है तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। आप कंप्यूटर में देखिए, नेट में जाइए, यूट्यूब से सीखिए, वॉचिंग करिए लगातार, आप रेडियो से सुनिए, अखबार पेपर मैगजीन यूट्यूब जो भी स्रोत हैं आपके पास, वो सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, कभी थकना नहीं दोस्तों। जो इंसान अगर सोच लेता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, परफेक्ट हूँ, तो उसी का उसका अपोजिट होता है, उसका गिनती स्टार्ट हो जाता है। सफलता अगर चाहते हैं दोस्तों तो लगातार आपको सीखना पड़ेगा, जो आपका जिस प्रोफेशनल में आप, उसको लगातार आपको एफर्ट करना पड़ेगा। अरे कहते हैं कि सीखने वाला अगर चाह ले तो पानी में भी आग लगा सकता है, आपको सीखते रहना है दोस्तों अगर सफल होना है तो। इस आदत को एकदम लगातार करना, कोई भी विपरीत स्थिति आ जाए दोस्तों आपको सीखकर अच्छे स्वाभिमान की निर्माण करें दोस्तों। आपके स्टेटस, आपका पर्सनालिटी, आपका स्टैंडर्ड, आपके स्वाभिमान, अच्छा सोच, अच्छा नजरिया रखिए। किसी भी हालात में, किसी भी विपरीत स्थिति में आपको डिमोटिवेशन नहीं है, एकदम सकारात्मक सोचिए। आई एम डायमंड, आई एम चैंपियन, आई एम सक्सेसफुल, ऐसा सोचना चाहिए दोस्तों। भगवान अगर मेरे को यहाँ पर भेजा है तो स्पेशल बना के भेजा है, गॉड, वाहेगुरु, प्रकृति, चाहे जो भी अल्लाह खुदा जो भी मानते हैं दोस्तों, आपको अगर इस परिस्थिति में पृथ्वी में भेजा है तो स्पेशल बना के भेजा है दोस्तों। और आप में कोई कमी नहीं, सिर्फ आप कमी है तो आपको सोच कर दोस्तों सही डायरेक्शन का, लक्ष्य की कमी, लक्ष्य बनाइए, सही प्लान बनाइए, डायरेक्शन मोटिवेशनल इंस्पिरेशन के साथ अंदर से इंटरनल से फायर कीजिए, ताकत खुल रही है एकदम बिल्कुल, और उत्साह के साथ ताकत खुल रही है एकदम, आप झोंक दीजिए, आपके चरणों में एक दिन लक्ष्य मिलेगा दोस्तों, और उस दिन सदा बाहर आपके दिन जरूर होगा, है ना। बुरे असर से दूर रहें का मतलब है कि आपके जो आप बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है, उस आपको आपके संगत, जैसे संगत बुरे असर से आपको जो लक्ष्य नहीं ले जाते हैं, चाहे आपके संगत खराब है, वो बुरे असर से दूर कहते हैं कि दोस्तों अगर आप सफल होना चाहते हैं तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, आदत और सीखने का लगन। आदत आपका जैसा रहेगा दोस्तों, दो चीज़ होता है कि आदत और आपके संगत यानी ट्रेन। आदत अगर 5 आदत ऐसे बना लो जो कि सफल होने के लिए हमारे दोस्तों, कितना भी एफर्ट करना, आदत अच्छा बना लिए तो आपको सफलता होने से नहीं रोक पाएंगे। दूसरा चीज़ है 5 फ्रेंड्स जो इर्द गिर्द रहते हैं, अगर आपका अगर गरीब दोस्त हैं, गरीब मेंटेलिटी का सोच है, अगर उसके साथ रहे तो आप गरीब ही ज़िंदगी में रहेंगे। अगर आप जैसा बनना चाहें, करोड़पति बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं आप, वैसे फ्रेंड आप अपने जीवन में उतारिए, है ना, जैसा बनना चाहते हैं वैसा। आपके
आपके जो फ्रेंड है आपको धीरे 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 उस रिदम में, उस टच में, उस गति में, स्पीड में आ जाते हैं दोस्तों। और वहाँ पर आपका संगत और आदत बहुत बड़ा सफलता के एक मोड है, सफलता के एक सूत्र है, फार्मूला है दोस्तों। तो हमेशा है ना ये कर सकते हैं, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। सातवां स्टेप होता है दोस्तों MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है दोस्तों। जिंदगी में बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है, बहुत छोटा बड़ा सब कुछ है, छोटा मध्य बड़ा काम है, लेकिन जो आपको लक्ष्य के करीब ले जाए उसी काम को ओनली करना है, बाकी को दूसरे को डिवाइड कर दें, दूसरे से करवाना है। जैसे आपको जो भी आप लक्ष्य हो, मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं चाहे कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो पहला काम है आपका पढ़ाई, तो पढ़ाई में फोकस कीजिए, बाकी जो काम है उसको अवॉइड कीजिए, सिर्फ एक ही चीज़ में कंसंट्रेशन के साथ आप मेहनत करना है दोस्तों। MIT मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सीखिए, जो काम जरूरी है उसे पसंद करना सीखो, है ना, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखो। कहने का मतलब है दोस्तों, आप कुछ काम ऐसा रहता है कि जो काम पसंद नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सूत्र के लिए बेहद जरूरी है। जैसे हम सुबह उठना अच्छा नहीं लगता लेकिन उठना पड़ेगा, पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता लेकिन पढ़ना पड़ेगा, है ना, और पढ़ाई करना, जैसे एक माँ होता है एक छोटे बच्चे जब रोता है तो उसको अच्छा नहीं लगता, मान ले रात में 2-3 बजे रो रहा है, चाहे किसी भी तरीके से होता है, तो माँ नींद में फिर भी अपने बच्चे की खातिर उसको करना पड़ता है दोस्तों। तो कुछ काम ऐसे होता है जीवन में जो कि अच्छा पसंद आए चाहे ना आए करना पड़ता है, सफल होने के लिए जो आदत है, जो जरूरी टूल्स है, जो करना है उसको करना ही पड़ेगा, अच्छा लगे चाहे ना करना। अगर सफल होना चाहते हैं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, सफल बनने के लिए जो पसंद है चाहे ना हो लेकिन जरूरी है उसको करना है तो करना है, अगर सफल बनना चाहते हैं। जो असफल होते हैं दोस्तों वो नहीं करते हैं, जो सफल होते हैं उसको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो सफल होते हैं वो करते हैं दोस्तों, इसीलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक खासियत एक क्वालिटी उनमें होता है। और आठवां जो स्टेप है दोस्तों, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें, गुड डे स्टार्ट टुडे, मतलब दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें, उसका सार्थक के लिए आपका दिन अगर शुभ है, आपका दिन अगर अच्छा स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, शुरुआत होता है दोस्तों, तो आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल टाइम हो एकदम बढ़िया बीतता है, एकदम टाइम टू टाइम। कहने का मतलब कि दिन की शुरुआत अच्छे ढंग से करें, एक प्रकृति में सूर्य उदय होता है, एक बसेरा, छोटे छोटे चिड़ियाओं का चहचहाट, एक सुबेरा, सभी चीज़ का अभिवादन और स्वागत होता है दोस्तों। सुबह जल्दी उठिए, सर्वप्रथम तो सुबह जल्दी उठना है, इसके बाद नहाना है, एक्सरसाइज करना है, अच्छा पुस्तक पढ़ना, अच्छा संगीत सुनना है, जो आपको मजा आता है, आपको अच्छा लगता है, वैसे से क्या है आपका सबकॉन्स माइंड में सकारात्मक जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आनंदित आने लगेगा। और जो सूर्य उदय होता है, एक प्रकृति एक बहुत बड़ा इंजीनियर है दोस्तों, उसका प्रकृति के हिसाब से अकॉर्डिंग आप चलिए अपनी ज़िंदगी में, आपका लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगा दोस्तों, है ना। तो जो आपके करीब ले जाता है उसको कीजिए, और जो आपके करीब से दूर ले जाता है उस चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। जो चीज़ आपको दूर ले जाता है, चाहे आपको गलत संगत, चाहे आपको अच्छा नहीं लगता, उससे फोटो भी आप चल जाइए, अगला बगल अगर जो करते हैं वैसा मत कीजिए दोस्तों। आप जो अलग बनना चाहते हैं तो आपको अलग रास्ता बनाना पड़ेगा, जो वो खाते हैं वैसा मत खाइए, जो वो पढ़ते हैं वो मत पढ़िए, जो कपड़ा लगता पहन तो मत करिए, तो अलग बनना है तो थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा दोस्तों। जो असफल रहते हैं वो जो सोचते हैं वो वैसा मत सोचिए, जो पढ़ते हैं वो उससे बिल्कुल अलग वे में चलना है, तभी आप सफल बन सकते हैं। सफल बनने के लिए उनका एक डायनेमिक पर्सनालिटी, एक सोच, एक विचार, या चाहे उसका आदत होता है दोस्तों, एक अपने आप में खास होता है। हर इंसान जीवन में डिप्रेशन में जाता है दोस्तों, लेकिन डिप्रेशन से कैसे निकलना है आपके ऊपर, अब आपका जो भाग भगवान ने स्पेशल माइंड दिया उसके हिसाब से, जब भी डिप्रेशन में जाएं, आप पढ़ाई स्टूडेंट के लिए खास कर रिकमेंड करूँगा, 10वीं 12वीं चाहे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं दोस्तों, और आपको उस मुकाम तक मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको अच्छा अच्छा बुक पढ़ना चाहिए जिसे प्रतिदिन पढ़ना है, अच्छा यूट्यूब, अगर आप सोशल मीडिया में आप चलाते हैं तो यूट्यूब में अच्छा मोटिवेशन वीडियो देखना चाहिए, वो अपने करियर से रिलेटेड आपके तमाम तरह की जानकारी संग्रहण और एक जगह करना चाहिए, वो लगातार बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और डीमोटिवेशन करते हैं वहाँ से आप दूर चले जाइए, जहाँ पर आपके जो गुरु होते हैं जो मोटिवेशन करते हैं, जिससे मिल करके एकदम खुशी होता है, उससे आप टच में रहिए दोस्तों, कि इस तरीके से आप डीमोटिवेशन से आगे निकल सकते हैं, आपका लक्ष्य बढ़ते रहेगा, अरे भाग के जाएगा लक्ष्य एक चरणों में आएगा। लेकिन कहते हैं दोस्तों, हर मुकाम, हर सफल मिलने से पहले आपका बुराई होगा, जब तक बुराई नहीं होगा आप तक नहीं पहुंच सकते, वही तो एक मजा है, एक खासियत है दोस्तों। वो खेल ही किया वो विजेता ही क्या जिसमें बुराई ना हो, वो खेल ही किया जाए वो विजेता ही क्या जिसमें हार ना हो, हारने के बाद जीतने का मजा है ना दोस्तों, और चीज़ में नहीं होता है, इसीलिए हारना जितना बेहद जरूरी है उतना जीतना भी जरूरी है, दोनों में मनाइए खुशी, हार में भी और जीत में भी, अरे विजेता ही विजेता होते हैं, अरे भाग के जाएगा लक्ष्य अपने चरणों में आता है दोस्तों। हर बार की तरह मेरे चैनल में आते हैं, मुस्कुराते हैं, सपोर्ट करते हैं दिल की गहराई से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लेकिन मेरे चैनल को पूरा देखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लाइक और कमेंट करके बताइए, और आपका जो भी किसी भी तरीके से अगर
आप लोग को बेनिफिट एडवांटेज मिला, कमेंट करके बताइएगा कैसे वीडियो आप लोग को चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो मैं लाते रहता हूँ। आप लोग का जिंदगी खुशियों से भरा हो, सफलता आपको चरणों में मिले, आप जो चाहते हैं जो करियर वो सब मिले, आपकी ज़िंदगी में हमेशा चेहरे में मुस्कान हो गुलाब की तरह, आपका सपना आपका जो मनोरथ है आपका सपना है आकांक्षा है सपना है ड्रीम है वो सब पूरा हो दोस्तों, है ना। ज़िंदगी एक ही बार खेला है, ज़िंदगी के खेल में ऐसे बाजीगर की तरह खेल के जाइए कि विजेता बनिए, आपका नाम हो, मरने के बाद भी लोग याद करें। ऐसा जीतो, ऐसा आदत बनाइए कि एक आदर्श बनिए, एक प्रमोट बनिए। एक हर पत्नी को एक पति होने पर गर्व होना चाहिए कि अगर ऐसा हो, हर परिवार को अपने बच्चा होने पर चाहे एक माँ बाप बनने पर उसको गर्व हो। हर पारा मोहल्ला गांव को वो आप अच्छा करते रहिए, अच्छा पढ़ते रहिए, लगातार सीखते रहिए, डिमोटिवेशन नहीं होना दोस्तों। अच्छा फाइटेड के साथ एनर्जी के साथ अगर डिमोटिवेशन होता है उस समय अच्छा पुस्तक अच्छा वीडियो अच्छा लोग से गाइडलाइंस लीजिए, एकदम सकारात्मक रहिए, हमेशा अच्छा सोचिए, हमेशा अच्छा सोचना है दोस्तों, जो होता है अच्छा होता है। एक बार की तरह मैं कहानी बताना चाहूँगा दोस्तों, एक राजा था, राजा के बाद आप कह सकते हैं उसका मंत्री थे, है ना, बीरबल और अकबर की कहानी है। एक बार बोला कि हाथ कट गया राजा के, तो बताया कि महाराज आपका हाथ कट गया है तो जो होता है अच्छा होता है। तो महाराज राजा था वो गुस्सा गया, उसको जेल में बंद करवा दिया। इसके बाद शिकार करने के लिए गया दोस्तों, तो जंगल में जो शिकार करते हैं, शिकार करते 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 वहाँ के जो वनवाली थे वहाँ के एक परंपरा था दोस्तों की जो प्रतिवर्ष जो पवित्र इंसान रहता था उसको चढ़ाते थे उसका देवी को। तो राजा को पकड़ लिए, पकड़ने के बाद चेक किए तो उसमें कटा हुआ था, इसीलिए छोड़ दे कि नकद रह करके, तो इसलिए उसका जीवन बच गया। पता चला कि जो होता है अच्छा होता है, तो बचने के बाद उसको फिर पूछा गया कि जो होता है अच्छा होता है, बच गए तो उसकी चीज़ को याद आया दोस्तों। तो इसीलिए ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छा होता है, अगर आप जो भी होता है अच्छा होता है, लेकिन विजेता उसे कहते हैं जो निखर कर चले जाए, है ना। मैं हर बार की तरह मेरे चैनल में आकर मुस्कुराकर आप सब्सक्राइब और लाइक और सब्सक्राइब करना, ढेर सारी आप लोग का प्यार हर बार की तरह मेरे चैनल में आते हैं और सपोर्ट और सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर करना जिससे सबको लाभ मिलता रहे। मुस्कुराकर बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।